बार रेडियो उड़ान सुनो लगातार। दोस्तों, जब से मोदी साहब ने मुख्य प्रधान बनने की बात ठान ली, तब से यही नारा चलाया है ना? अक्की बार मोदी सरकार, अक्की बार मोदी सरकार, और यही नारे ने उनको सफलता दिलवाई। तो मैंने सोचा हमारे रेडियो उड़ान के लिए भी ऐसा ही कोई नारा क्यों ना बनाया जाए, है ना? इसलिए मैंने बनाया अक्की बार रेडियो उड़ान सुनो लगातार। और अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो रेडियो उड़ान पर अच्छे कार्यक्रम आते हैं और अच्छे कार्यक्रम आते रहेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ हमारे रेडियो उड़ान पर अच्छे कार्यक्रम आने वाले हैं, तो उसके लिए अक्की बार रेडियो उड़ान सुनो लगातार। ये नारे के साथ तो मैं आपका स्वागत करना ही भूल गई। हाँ दोस्तों, मैं रिद्धि टिस विच इस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान में। अब जब ये आप ही का कार्यक्रम बन गया है, तो वैसे तो कोई स्वागत की बात बनती नहीं, लेकिन मैं आ गई हूँ इसलिए आपका स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो एक निशानी है जो मेरे होने का आपको आभास दिलाती है। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम के संबंधित भी कुछ बातें शुरू करी जाए। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्यों न दी जाए, है ना? तो मेरी प्यारी सखियों और मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते हैं, उनकी निद्रा बड़ी अनिश्चित हो चुकी है। हाँ, ऐसा माना जाता है एक शोध के मुताबिक कि मोबाइल और कंप्यूटर में एक नीली रोशनी पाई जाती है जो मेलाटोनिन की मात्रा को कम कर देती है, जिसके कारण ये समस्या खड़ी होती है। मेरा मतलब है नींद की समस्या खड़ी होती है। ये नीली रोशनी ऐसी है जो रात की निद्रा को बड़ी परेशान कर देती है और सुबह बहुत नींद आती है। इसके कारण सुबह जल्दी उठने में मुश्किली आन पड़ती है। तो अगर आप भी यही मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो समझ जाइए ये नीली रोशनी ने आपके मेलाटोनिन को भी बुरी तरह बिगाड़ रखा है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि हर किसी के शरीर में एक जैव घड़ी पाई जाती है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, और अगर हिंदी में कहे तो जैव घड़ी, है ना? वो जैव घड़ी हर किसी के शरीर में अलग अलग हिसाब से काम करती है, क्योंकि हर किसी का कार्यक्रम, हर किसी की दिनचर्या अलग अलग होती है, है ना? तो ये जैव घड़ी उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी जैव घड़ी किस हिसाब से काम करती है, कि उसका कौन सा कार्यक्रम है, उसकी कैसे दिनचर्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है ना? और इसी के कारण बहुत सारे लोग पूरी नींद नहीं लेते। वो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आपको जानना है आप पूरी नींद लेते हैं या नहीं, तो उसका एक उपाय ये हो सकता है कि क्या आपको उठने के लिए अलार्म का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरी नींद लेने वालों को कभी किसी अलार्म की या किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती जो उनको जगाए। जब नींद पूरी हो जाती है, तब इंसान अपने आप जाग जाता है, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती जगाने के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सुबह हम कॉफी, चाय, ये सब कुछ पीते हैं, जिसमें निकोटीन और कैफीन ये सारे तत्व मौजूद होते हैं,
जो नींद को उड़ा देता है, तो उसका अर्थ भी यही हुआ कि हम नींद पूरी नहीं लेते हैं, इसलिए हम यही सारी चीजों पर आधारित हो जाते हैं। वो सारी चीजों का सेवन करने से हमारी नींद भाग जाएगी और हम थोड़े समय के लिए ताजगी का अनुभव करेंगे। तो अब अगर आप सुबह सुबह चाय या कॉफी पीने की आदत रखते हैं, तो इससे खुश ना होइए, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप ताजगी का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वो ताजगी पाने के लिए, वो खुशी पाने के लिए, अच्छा सा दिखने के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, आपको किसी और चीज पर आधारित रहना पड़ता है जो आपको ये सब कुछ दिलाए। आप खुद पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह के लिए तो सबसे अच्छा पीना उसी को कहते हैं, जैसे कि दूध हो गया, नींबू पानी हो गया, और पानी में शहद और नींबू पानी मिला के पीना, ये सारे जो पेबल या पीने योग्य चीज है, वो ही हमारी सुबह के लिए अच्छी है, क्योंकि वो हमारे मूड एलिवेट जरूर है, लेकिन वो ऐसा साबित नहीं करती कि हमें और सोने की जरूरत है। ये तो सुबह के लिए इसलिए अच्छी है कि वो हमारे शरीर में जो चीजों की कमी है, जैसे कि ग्लूकोज, कैल्शियम, ये चीज की पूर्ति करती है, और जिनकी आवश्यकता हमें सुबह में ज्यादा होती है, इसलिए तो हम सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, है ना? क्योंकि वो काफी समय से नहीं खाए हुए फास्ट को तोड़ देती है। चलो, ब्रेकफास्ट की ही बात निकली है, तो एक आपको और बात बताई जाए कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि काफी लंबे अरसे से नहीं खाया है, मेरा अर्थ है पूरी रात नहीं खाया है, तो सुबह उठ के ऐसी तली हुई और जो ज्यादा भारी भारी चीजें हो ऐसी खाई जाए, जैसे कि ज्यादा तले हुए पराठे और पूरियां, ऐसी सारी चीजें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन ये मान्यता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा तो किसी हिसाब से कहा ही नहीं जा सकता कि आपके शरीर ने काफी समय से कुछ नहीं खाया तो आप ये सब खाएंगे तो ये ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये करेगा, जरूर जरूर करेगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें कि ब्रेकफास्ट में आप भारी भरकम चीजों खा ले। और उस पर से एक और बात आपको बता दूं कि कुछ कुछ खाने की चीजें ऐसी है जिस पर वैज्ञानिकों का मत बहुत विवादास्पद है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड को ले लीजिए। व्हाइट ब्रेड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, है ना? इसलिए लोग ज्यादातर ब्राउन ब्रेड को खाते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि व्हाइट ब्रेड एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एथलीट्स और लेबर्स को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ब्रेड मतलब मेरा मतलब है जो व्हाइट ब्रेड है उसमें ऐसी चीजें हैं जिसकी शुगर और कुछ ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स, और तो ये सारी चीजें हैं वो एथलीट्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो व्हाइट ब्रेड आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको जरूर आजमाएं। अगर आपको एथलेटिक बॉडी चाहिए, अगर आपको वजन बढ़ाना है, तो उनके लिए भी व्हाइट ब्रेड बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन
अगर आपका वजन जल्दी से बढ़ जाता है, अगर आप कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसे कि किसी को कैंसर का खतरा है, डायबिटीज का खतरा है, वैसे खतरा कैसे है ये तो हम नहीं कह सकते। मेरा अर्थ है यहाँ खतरा होने का कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इस हिसाब की है कि जैसे फैमिली में किसी को डायबिटीज है या फैमिली में किसी को कैंसर पहले हो चुका है, किसी को ब्लड प्रेशर रह चुका है, तो ये सारी हिस्ट्री वाले लोगों को व्हाइट ब्रेड कभी नहीं खानी चाहिए। तो जिस तरह व्हाइट ब्रेड है वो विवादास्पद है, इस तरह चॉकलेट भी विवादास्पद है। चॉकलेट के बेनिफिट्स के बारे में तो हमने एक कार्यक्रम में बात की थी कि बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है हमारी सेहत के लिए, जैसे कि वो टाइप 2 डायबिटीज नहीं होने देगी, वो हमें हृदय की बीमारियों से बचाएगी, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था। और चॉकलेट का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, स्पेशली डार्क चॉकलेट। लेकिन वैज्ञानिकों का एक मत यही भी है कि चॉकलेट खाने से आपके दांत पर बुरी असर जरूर पड़ सकती है। तो अगर आपके फैमिली की हिस्ट्री में किसी को पायर या दांत की संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रह चुका है, तो भी चॉकलेट आपको खाने में ध्यान जरूर रखना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका फॉर्म चेंज करके खा सकते हैं। जैसे कि दांत के लिए अगर चॉकलेट खराब है, अगर बुरी साबित होती है, तो चॉकलेट को लिक्विड फॉर्म में क्यों ना लिया जाए, सॉलिड की जगह, है ना, ताकि ये दांत को इतना बुरा असर ना पहुंचाए। और आप हर बार चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना ना भूले अपने दांत को, क्योंकि वैसे ये बात तो सही ही है, हम डार्क चॉकलेट खाते हैं नो डाउट, लेकिन उसमें शुगर का कंटेंट तो जरूर होता है। तो वो शुगर का पार्ट अगर हमारे दांत में रह जाता है, तो वो तो जरूर हमारे दांत को कोई न कोई हिसाब से हानि करेगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप चॉकलेट जरूर खाएं, क्योंकि हमें बहुत सारे फायदे हैं उससे। तो वो फायदों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर खाएं, क्योंकि हर चीज से उसका फायदा तो जरूर देखना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात को ना भूलें कि चॉकलेट खाने के बाद ब्रश जरूर किया जाए। तो ये तो हो गई कुछ जरूरी बातें। चलिए अब टिप्स का सिलसिला शुरू करते हैं, बस एक छोटे से अंतराल के बाद, वो भी बिल्कुल प्यारा सा एक सुंदर से सॉन्ग के साथ। अभी पिछले हफ्ते ही हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया, राइट, तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये प्यारा सा गीत, आइए सब साथ में मिलके सुनते हैं और उनको याद करते हैं। मेरे प्यार के बन
जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं।
تم نے کہی ساون میں تو مجھ کو آنا ہی ہوگا یا میرے تن من میرے پیار کے بندھن دو پل تمہیں روکتے ہیں کوئی جاتا ہو تو پیچھے سے اس کو ایسے نہیں روکتے ہیں positivity and enthusiasm in life, then don't worry. This brand new show called Inspirational Wings is just and just for you. So guys, to enjoy this beautiful ride with your own RJ Divya, don't forget to tune us every Thursday 9 to 10 only on Radio Udaan. Tips with Chips, a pink glow on the fragile face with Riddhi. दोस्तों, वो प्यारे से संगीत भरे अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। एंड अब मैं आपको बताऊं कि अभी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ, ना पढ़ने की चिंता, ना इम्तिहान का डर, इसलिए आप तो बिंदास घूमते फिरते होंगे, है ना? मुझे पता है, आप तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, किसी के रोकने से रोकने वाले में नहीं है। चाहे आपको पापा डांटे या मम्मी आप पर चिल्लाए, आप पर तो कोई असर होने वाला ही नहीं है, मुझे पता है। हमेशा बस कितनी भी दुख क्यों ना हो, जब छुट्टियों में मजा लूटने की बात आती है ना, तब तो आप सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, मैं आपको ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको घूमने नहीं जाना चाहिए। आप बेशक घूमिए, खूब मजा लीजिए, क्योंकि ऐसे दिन तो वापस शायद ही आए जिंदगी में। लेकिन आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए, है ना? आखिर सेहत का सवाल है, अगर तबीयत ठीक नहीं तो और कुछ भी ठीक नहीं है इस दुनिया में। आप ही सहमत है ना इस बात से? और हाँ, गर्मियों के सीजन में जब सेहत की बात आती है तो सबसे पहले खैर हमारे दिमाग में स्किन का ही आता है, है ना? अगर स्किन ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में तो स्किन के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे रैशेस ले लीजिए, एक्नी ले लीजिए, और बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें, है ना? अगर मैं आपको ऐसा कहूँ तो
कि कुछ कुछ सिंपल चीजें हैं जिनको आप याद रखें तो ये सारे प्रॉब्लम से आप आसानी से बच सकते हैं। तो उनमें से एक सॉल्यूशन है, चूज द राइट सनस्क्रीन फॉर योर स्किन। यस, आप धूप में बहुत आराम से घूमिए अगर आपके पास सही सनस्क्रीन लोशन है जो आपकी स्किन को बिल्कुल मैच करता है। फिर तो देखिए आपकी मजा दुगनी हो जाएगी। हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है ना जब भी सनस्क्रीन लोशन परचेज करने जाते हैं तब कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा सनस्क्रीन हमारी स्किन को मैच करेगा और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं आपको पक्का दे दूंगी। फिर देखिए आप अपना लोशन खुद चूज करेंगे और वो भी विदाउट एनी हेल्प। सो इन दिस केस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज चूज इट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। यस, आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आप इसको पसंद कीजिए जब भी आप परचेज करने जाते हैं। जब आप मॉइस्चराइजर, टोनर एंड क्लेंजर अपनी स्किन के हिसाब से पसंद करते हैं तो फिर सनस्क्रीन लोशन क्यों नहीं, उसमें भी स्किन टाइप जरूर ध्यान में रखिए। बिकॉज द स्किन ऑफ फेस इज जनरली थिनर देन our body skin, that's why it's very important to select right sunscreen lotion, otherwise there will be sudden breakouts in your skin because of unsuitable sunscreen lotion. अगर आपकी स्किन के साथ मैच नहीं करता ऐसा आपने ले लिया है, ज्यादा SPF हो या कम SPF हो, आपकी स्किन की जरूरत से कम या ज्यादा, तो ये आपके स्किन को प्रोटेक्शन नहीं देगा, ऊपर से उसको और नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा आप चाहते हैं नहीं ना, तो फिर स्किन टाइप का जरूर ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन की। अब ऑयली स्किन वालों को तो पता ही होगा कि समर में उनकी जो स्किन होती है वो कुछ ज्यादा ही ऑयली हो जाती है, राइट? इसलिए उनको ऐसा सनस्क्रीन लोशन पसंद करने की जरूरत है जो जेल बेस हो या वाटर बेस हो, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, या बिल्कुल जेल जैसा हो जो आसानी से सूख जाए, क्योंकि ऐसा ही सनस्क्रीन लोशन आपके स्किन को बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट देता है और हर तरह के ब्रेकआउट से बचाता है। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो जब भी सनस्क्रीन लोशन लेने जाए तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वो बिल्कुल वाटर कंटेंट वाला हो, उसको चेक कर लीजिए पहले। अब बात हो गई जब ऑयली स्किन की, तो अब बारी है नॉर्मल स्किन की। तो नॉर्मल स्किन वालों के लिए ऐसा कोई भी लोशन हो जिसमें SPF का कंटेंट हो वो चल जाएगा, क्योंकि उनकी स्किन नॉर्मल है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। अब जैसे कि नॉर्मल स्किन कैसी होती है ये तो आपको पता ही है, ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई, इसलिए इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिंपल लोशन ले लीजिए जिसमें SPF कंटेंट हो। अगर कुछ और ले लिया है जैसे कि ड्राई स्किन वाला या ऑयली स्किन वाला, तो ये स्किन को कुछ ज्यादा ऑयली बना देगा या इसको ड्राई करने की कोशिश करेगा। इसलिए कोई और प्रोडक्ट चूज मत कीजिए, सिंपली बस कोई लोशन लीजिए और उसमें चेक कीजिए कि SPF का कंटेंट है या नहीं। अगर है तो बस आपका काम हो गया खत्म, वही लोशन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन में सेबम की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव और ड्राई हो जाती है। लेकिन समर में इन स्किन वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी इनको भी सनस्क्रीन तो चाहिए। तो इनके लिए जो थिक पेस्ट होती है, बिल्कुल थिक लोशन, ऐसा सनस्क्रीन लोशन ही पसंद करें जो कुछ ज्यादा थिक हो कंपैरेटिवली ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन।
तो ये आपके स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखेगा और आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलो स्किन रिलेटेड तो बात हो गई, आगे बात की जाए तो सनस्क्रीन लोशन चूज करते करते और क्या चीजें ध्यान में रखनी है अब इसकी बात की जाए। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम कोई फूड पैकेट परचेज करते हैं तब तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो इसमें भी क्यों ना देखे जाए। जब हम सनस्क्रीन लोशन परचेज करते हैं तो उसमें भी तो देखनी चाहिए, है ना। तो अब से जब भी सनस्क्रीन लोशन परचेज करें उसमें भी आप कंटेंट जरूर रीड करें कि उसमें क्या क्या डाला गया है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है न सिर्फ SPF लेकिन जिस सनस्क्रीन लोशन में जिंक के साथ टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब जब भी आप इसको परचेज करने जाएं तो ये चीजें भी जरूर नोट करें कि उसमें जिंक का कंटेंट है या नहीं, उसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड का कंटेंट है या नहीं। फिर आप तो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले बन गए, है ना, आपका कोई जवाब ही नहीं। और हाँ, क्या आपका ये बात पता है, सनस्क्रीन हर फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, जेल में, वाटर फॉर्म में, मैट, ये सब तो हम जानते हैं कि लोशन इन सब में अवेलेबल है। उसके अलावा वाइप में भी अवेलेबल है, अगर आप वाइप पे यूज करते हैं तो उसमें भी सनस्क्रीन लोशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके अलावा आप पाउडर्स यूज करते हैं समर में एज योर ब्यूटी प्रोडक्ट, एज योर कॉस्मेटिक, तो उसमें भी आप SPF वाला ही चूज कीजिए, क्योंकि उसमें भी सन ब्लॉक वाले पाउडर्स अब तो अवेलेबल है मार्केट में। तो पाउडर भी लेते हुए ये बात जरूर चेक करें कि उसमें SPF का कंटेंट है या नहीं, क्योंकि जब समर की बात होती है तब हर चीज में SPF नोट करना जरूरी है। उसके अलावा आप कॉस्मेटिक को यूज नहीं कर सकते, ये बात आप जरूर याद रखें, क्योंकि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी और आपको बना देगी बिल्कुल एग्जॉस्टिव, और वो तो आप होना नहीं ही चाहते, है ना। उसके अलावा आप कोई एलर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो समर में हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसमें भी आप SPF नोट कर लीजिए। हाँ, आप कोई भी प्रकार का हाइपो एलर्जेनिक चीज इस्तेमाल क्यों न करते हो, उसमें भी SPF आता ही है, स्पेशली समर के लिए। तो जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए कि समर के लिए स्पेशली SPF वाला ही लेंगे। आप चाहे और सीजन के लिए सिंपल क्यों ना लेते हो, समर के लिए चेंज कर दीजिए। है ना सही बात। तो ये एंटी एलर्जिक क्रीम लेते समय या कोई और एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट लेते समय उसमें SPF नोट करना जरूरी है, ये बात मत भूलिए, हमेशा याद रखिए। और हाँ, अगर आप इतने ही ब्यूटी मैनियक हैं, तो आप ये सब भी जरूर यूज करते होंगे, जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए, लिप बाम, ब्रॉन्जर, फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या, है ना, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब तो है अवेलेबल। तो आप ये सब अपने हिसाब से जरूर इस्तेमाल करते ही होंगे, राइट। तो इन सब चीजों को लेने के पहले यहाँ भी आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें सन ब्लॉक होना चाहिए, उसमें SPF का कंटेंट जरूर 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 होना चाहिए, नहीं तो याद रखिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके स्किन पर। जब समर की बात है तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है, मैं ये बात बार बार दोहराती हूँ ताकि आप कभी भूल ना पाए इसको। चलो अब ये सब बातें तो हो गई कि उसको कैसे पसंद किया जाए, उसमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, अब ये भी बात कर ली जाए उसको कब लगाया जाए। तो आप बाहर जाते हैं जब सन का सामना करते हैं, जब सूरज का सामना करते हैं, उसके
कम से कम 15-20 मिनट से पहले इसको लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि चलो अभी निकल रहा है तो अभी के अभी लगाएं, नहीं, आपको घर से बाहर निकलने से कम 15-20 मिनट से पहले तो जरूर लगा देना चाहिए, तभी इसका असर होगा। वैसे एक प्रोवर्ब है ना, कोई भी चीजें सीधा असर नहीं करेगी, थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। सब्र का फल मीठा होता है, तो फिर यहाँ पे तो हमें सब्र रखना है, तो इसको अपना इफेक्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको टाइम दीजिए, तो 15-20 मिनट से पहले जरूर लगाइए, ठीक है। और हाँ, ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बिल्कुल सूख जाएगा आपके स्किन पर, आपके स्किन इसको बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेगी। तो इससे क्या फायदा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो सन के यूवी रेज होते हैं ना हमारे स्किन के लिए हार्मफुल, उससे ही तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं। तो इसके लिए सनस्क्रीन लोशन का स्किन पर सूख जाना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो आप पहले ही लगा दीजिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए, तभी जाके वो आपकी स्किन के अंदर उसको नहीं जाने देगा, है ना। उसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको कांस्टेंट बाहर ही रहना है, कांस्टेंट सनशाइन के साथ ही रहना है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हर 3-4 घंटे के बाद आप इसको दोबारा लगाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद तो इसके असर कम होनी ही होनी है। तो हर 3 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई कीजिए, ये भी मत भूलिए, क्योंकि कोई भी चीजें लॉन्ग लास्टिंग तो हो ही नहीं सकती, है ना। 3 घंटे के बाद तो ऑफ कोर्स इसका असर हो ही जाएगा कम, जो आपको रिश्योर करना है, इसलिए आप रीअप्लाई कीजिए हर 3 घंटे के बाद। और सनस्क्रीन लोशन के बारे में एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि जितना हायर SPF इतना ये ज्यादा इफेक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जितना ज्यादा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। संस्कृत में कहावत है ना कि ज्यादा चीजें हमेशा नुकसान ही नुकसान है, अति सर्वत्र वर्जयेत, राइट। तो यहाँ भी हमें यही बात याद रखनी है कि ऐसा कभी नहीं मानना है कि जितना ज्यादा इतना इफेक्टिव, नो। अगर आप ऐसा करेंगे कि बहुत हाई SPF वाला सनस्क्रीन लोशन पसंद करेंगे, तो यह आपकी स्किन को बहुत ऑयली और ब्लैकिश और लाइक टेंसिव बना देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ज्यादा SPF डिनोमिनेशन वाला नहीं लेना है। ये बात याद रखिए कि सन की इफेक्ट किस हिसाब से है, उस हिसाब से ही आप चूज करें। सामान्यतः अगर एटमॉस्फेयर नॉर्मल है, लाइक 30-35 डिग्री टेम्परेचर अराउंड, तो फिर SPF कंटेंट 30% हो तो चलेगा। अगर ज्यादा है, लाइक 40-45 डिग्री अराउंड आपकी सिटी में इतना टेम्परेचर रहता है, तब आपको 50% SPF का इस्तेमाल करना है, मतलब ऐसा सनस्क्रीन लोशन यूज करना है जिसमें 50% इसका कंटेंट हो। लेकिन एक बात याद रहे, 50% से अबव कभी नहीं जाना है। अगर टेम्परेचर बिलो 30 रहता है, लाइक 20-30 के बीच, तब तो आपको माइल्ड यूज करना है, लाइक 15-20% वाला सनस्क्रीन। फिर भी मैं ये बात दोहराती हूँ कि 50% से ज्यादा SPF वाले सनस्क्रीन लोशन को कभी भी पसंद नहीं करना है। तो चलिए, जब भी सनस्क्रीन लोशन परचेस करने जाए तो मुझे जरूर याद करना। और यस, आपकी स्किन अगर बिल्कुल डेलिकेट डार्लिंग जैसी लगती है, तब भी आप मुझे जरूर याद करना। फिलहाल तो टाइम हो गया है एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद मैं आपको फिर से मिलती हूँ।
let's go for musical break. Pink glow on the fragile face with Riddhi. दोस्तों तो ब्यूटी की बात तो हो गई, अब हेल्थ की बात भी हो जाए. यस, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अब हेल्थ की बातें बिना किसी देर के. अच्छा फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए, आप सब जल्दी जल्दी तो उठ जाते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग मेरा मतलब है. बिल्कुल, क्योंकि हम सब वैसे देखा जाए तो बिजी 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 है ऑन वन वे और अनदर वे, है ना. और वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मॉर्निंग स्कूल्स और कॉलेजेस होती हैं, और ऑफिस आवर्स भी मतलब कुछ लोगों के अर्ली मॉर्निंग होते हैं, कुछ कुछ लोगों के लेट, लेकिन इतने भी लेट नहीं होते. ज्यादातर 9, 10 और मैक्सिमम 11 ओ क्लॉक तो हम सब का रूटीन शुरू हो ही जाता है काम करने का, मेरा मतलब है. और उसके साथ हमारी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, घर का काम, ये वो, होमवर्क, और पता नहीं और कितनी ड्यूटीज हम कंप्लीट करते हैं. इसलिए मॉर्निंग में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं,
कौन सी? आप समझ गए ना? यस। हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। जब भी हम जल्दी में होते हैं ना, तो हम ये सारा गुस्सा किसी और चीज पे नहीं, खाने पर ही अक्सर निकाल देते हैं कि चलो खाना तो कभी भी खाया जाएगा, पहले मैं ये काम खत्म कर लूँ, पहले मैं वो काम खत्म कर लूँ। हमेशा हमारी प्रायोरिटी इसी तरह की होती है ना? और इस प्रायोरिटी में हम किसी और चीज की तो जगह लेते ही नहीं और किसी की सुनते भी नहीं, बस अपनी मनमानी कर लो। और कभी कभी तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो भी ब्रेकफास्ट में इस तरह करते हैं कि चलो एक बिस्किट खा लिया जल्दी जल्दी से और भागो। राइट? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? थोड़ा सा काम पोस्टपोन कर दीजिए, आप प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम, कौन से काम को डिले किया जा सकता है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप स्लो हैं मेरी तरह थोड़े काम में, तो जल्दी से उठ जाइए। 5 मिनट क्या फर्क पड़ेगा, आके जल्दी सो जाइए। क्योंकि ब्रेकफास्ट आपके सारे मील्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? यही तो मैं आपको आज बता रही हूँ हेल्थ में। तो हमारा आज का हेल्थ इश्यू उसी पर डिपेंड है, Why breakfast is important for you? ब्रेकफास्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप चाहे कुछ और चीजें ठीक से करो या ना करो, अगर आपका ब्रेकफास्ट ठीक है तो हेल्थ इज अश्योर्ड। यस, वेरी गुड, इज़न्ट इट? ब्रेकफास्ट इज आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे, राइट? तो इसलिए ब्रेकफास्ट की जरूरत न सिर्फ हमारे शरीर को होती है, लेकिन हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए भी इतना ही जरूरी है। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आफ्टर ह्यूज ब्रेक, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि न सिर्फ हमारा शरीर, हमारा दिमाग भी कुछ ऐसी चीज चाहता है जो इसको बूस्ट करे, something like craving, right? Delicious. And do you know, friends, most important thing about breakfast? It builds up your memory. So, अगर आपको भूल जाने की आदत है ना, इसका मतलब यही हुआ कि पक्का आप breakfast skip कर देते हैं अक्सर, इसलिए आप बार बार ना भूल जाते हैं, और specially short-term memory. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये साइकोलॉजी में जब मैं पढ़ती थी तब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो हम चीजें याद रखते हैं, जैसे कि किसी का टेलीफोन नंबर है या छोटी छोटी सी बातें हैं, वो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखते हैं। इसलिए ही आप देखिए, हमेशा जो फोन नंबर होता है उसका पहला नंबर हमेशा कॉमन होता है, जैसे कि अब तो मोबाइल नंबर्स में बहुत सारी वैरायटीज आ गई है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि 9 हर मोबाइल नंबर में कॉमन होता था, राइट? अब भी देखिए, जैसे कि कॉड नंबर हर मतलब सिटी के हिसाब से पूरे सिटी का कॉमन होता है, राइट? उसमें भी जैसे लैंडलाइन नंबर है तो 2 कॉमन हो जाता है, मतलब डिपेंड्स, लेकिन जनरली पर्टिकुलर ग्रुप का कुछ न कुछ तो कॉमन होता ही है, ताकि और पीछे के नंबर्स को इजीली याद रखा जाए। ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम इजीली 7 से 9 डिजिट याद रख सकते हैं। इसलिए अगर 10 या उससे ज्यादा नंबर्स हैं, तो कुछ नंबर्स जरूर कॉमन होंगे उसमें जो हम इजीली याद रख पाए। तो अगर आप ये नंबर्स और ऐसी सब चीजें भूल जाते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को शार्प बनाएगा, राइट? और हाँ, इसी तरह आपको रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे तो याद रखनी है, वो भी तो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही याद रखेंगे ना, www.radioudaan.com, RADIOUDAAN। तो उसके लिए भी आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुझे आपके लिए ये वेबसाइट रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, राइट? और जैसे कि आपको पता है,
हम मॉर्निंग में ही हमारे सारे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, राइट? इसलिए सुबह का टाइम ऐसा होता है जब हम हमारे शरीर से ज्यादा काम की अपेक्षा रखते हैं, और वो भी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी काम करने की अपेक्षा रखते हैं। तो जब आप अपने शरीर से इतनी सारी अपेक्षा रखते हैं, तो बदले में कुछ देना भी तो होगा। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो इसका परिणाम यही होगा कि धीरे धीरे आपका बॉडी आपका रिप्लाई करना बंद कर देगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो ये भी आप नहीं चाहते ना, क्योंकि अगर बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, अगर ये स्लो हो गया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब अच्छे से जानते हैं, राइट? और जब आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एनर्जी नहीं है, इसलिए आपका जो ब्रेन है वो उसके पास जो लिमिटेड सोर्स है जिसमें इसने एनर्जी थोड़ी संभाल के रखी है, जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना, कुछ कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, राइट? जैसे कि घर में भी हम ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा ब्रेन भी तो इंटेलिजेंट है वो आपको अच्छे से जानता है, इसलिए वो भी कुछ कुछ एनर्जी को अपने में स्टोर करके रखता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे से ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी खत्म होने लगेगी, और आपका बॉडी बुरी तरह इररिस्पॉन्सिव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना? चलो, ब्रेन की बात तो हो गई कि ब्रेन पर इसका असर होता है, लेकिन अब बॉडी की बात भी हो जाए कि स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट को अक्सर स्किप कर दिया करते हैं, उनके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना आम बात होती है पिछली जिंदगी में। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपकी लाइफ इस तरह पैथेटिक बन जाए, लाइक डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्ला 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 ब्ला, अगर आप अच्छे से खाना हमेशा खाना चाहते हैं, हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, तो रुक जाइए, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। तो अब जब भी आप मॉर्निंग में काम करना शुरू करें, तब मेरा ये सूत्र जरूर याद करो, रुको, सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट ले लो, उसके बाद काम। पहले लो ब्रेकफास्ट का नाम, उसके बाद काम तमाम। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लीडर हूँ, मैं तो बस आपकी सीधी सादी रेडियो दोस्त। तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे ना। चलिए, आपको भी बिल्कुल रैंक बनना है ना क्लास में, तो फिर मेमोरी शार्प कैसे करेंगे, ब्रेकफास्ट ले लीजिए, वो भी बिल्कुल हेल्थी। चाहे आप लंच स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। चलो, यही तो बात बन गई, अब म्यूजिक की भी बात बन जाए। बिल्कुल, चलिए तो फिर आपके लिए पेश है ये प्यारा सा गाना। Thank you.
शहर में मेरा दर्पण तुम हो। तुमको रखूंगा दिल में बसा के मेरी धड़कन तुम हो। देखूंगा तुमको शाम शहर में मेरा दर्पण तुम हो। Without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udaan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. Tips with Chips, a pink glow on the fragile face with Riddhi. तो दोस्तों यही गाने के साथ ही मेरा टाइम हो चुका है जाने का, क्योंकि मैं और आप एक प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो अब हम सबका इंतजार कर रहा है जो है अ लुक इनटू अ बुक। तो सुनना चाहेंगे ना?
चलो तो अब उसी को प्रेफरेंस दिया जाए। हाँ अब मैं तो बोल बोल के रुक रही हूँ क्योंकि मुझे चिप्स की जरूरत है, तो मुझे अब चिप्स भेजो ताकि मैं अ लुक इनटू अ बुक सुनते सुनते कुछ ऐसे क्रंची क्रंची क्यों करूँ। राइट चलिए दोस्तों, तो मैं अब विदा होती हूँ आपसे, मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त रिद्धि को अनुमति दीजिए, गुड नाइट गुड बाय टेक केयर एंड एंजॉय अ लुक इनटू अ बुक दिस लिसनिंग रेडियो उड़ान, बाय बाय।